कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो ब्रूटल रेप की घटना सामने आई है, उसके बाद जिस प्रकार से देश भर में डॉक्टर्स का विरोध चल रहा है, उसमें अब और एडिशन करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विड्रॉल ऑफ सर्विस डिक्लेयर किया है कल से 24 घंटे के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनिल नायक हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि CBI इंक्वायरी तो अब दे दी गई है, विरोध में इतनी तीव्रता अब और क्यों है? आप जानते हैं कि 9 की अर्ली मॉर्निंग को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक सेकंड ईयर रेसिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उनका मर्डर हो गया, उनका ऐसी हालत में छोड़ी गई, तो पूरे वर्क प्लेस में 36 घंटे से ड्यूटी पर होने वाली बच्ची का अपने ही अस्पताल में, अपने ही सेमिनार रूम में रेप होता है, मर्डर होता है, और वो वर्क प्लेस पे सेफ्टी नहीं है। इसलिए IMA ने पहले रेसिडेंट डॉक्टर की स्ट्राइक की, विद्यार्थियों ने स्ट्राइक की कि हमें न्याय दो, हमें सेफ्टी दो, हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें सिर्फ सेफ्टी चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए काम करने के लिए। तो उसी वजह से उन्होंने स्ट्राइक की थी। बाद में शांति से जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे उसकी हमने मुलाकात भी ली कलकत्ता जाके, और वहाँ जो बच्चे और लड़कियाँ जो बैठी थी कि हमें न्याय दो, हमें सेफ्टी दो, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी, दैट इज द स्लोगन, ओनली वी वॉन्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमन, बच्चों की हमें सेफ्टी चाहिए, उसकी वजह से हमने ये काम किया था। लेकिन 14 तारीख को रात को हजारों लोगों ने आके इस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे बैठे हुए बच्चों के साथ जो हमला किया हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सभी वार्ड में जो तोड़फोड़ की घटनाएं बनी, तो हमारा पूरा भारत देश का जो तबीबी वर्ग था वो हिल गया। उन्हें बोला कि हमें हमारी बच्चों की सेफ्टी के लिए, ये हमला क्यों किया गया, क्या इस जिस तरह से तोड़फोड़ की गई इसमें एविडेंसेस को भी नुकसान पहुंचाएगा? हमें ऐसा मालूम हुआ है, हमें ऐसी खबरी मिली है, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि ये लोग जब CBI को हाईकोर्ट ने जांच दे दी तो उनके पास वो बचाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो ऐसे मोब को वो भेजा, वो वार्ड तक गए, बाकी बच्चों को डेमोस्ट्रेट, उनको मार्ग भगाया, उनका टेंट तोड़ दिया और वहाँ वार्ड तक इमरजेंसी सभी रूम तोड़ दिए। और फिर हमें ऐसा लगता है कि ऐसे सबूत तो है, जो जानकारी वहाँ से CBI को मिल सकती थी वो हटाने के लिए अटैक किया गया है। आप क्या मान रहे हैं, मतलब पूरे मामले को हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रही है, क्या कहीं ना कहीं ये दबाने की कोशिश? हम दुखी इसलिए है कि BC रॉय जो हमारे डॉक्टर्स डे के नाम से, जिनके नाम से जनक किया जाता है, वो जो कल बंगाल के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, उनके राज्य में और महिला मुख्यमंत्री के राज्य में एक बच्ची पे रेप होता है, उसका मर्डर होता है, इट इज़ अ ब्लैक डॉट ऑन द गवर्नमेंट। सेकंड थिंग, ये सब बचाने की क्यों कोशिश करें मुझे मालूम, लेकिन हम हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि आपने CBI इंक्वायरी की और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी, बच्ची को न्याय मिलेगा, दूसरा सेफ्टी होगा। और ये जो भी दबाने की कोशिश करते हैं उसके सामने हम अभी शनिवार को सुबह 6 से रविवार को सुबह 6 तक हमने 24 घंटे का विड्रॉल सर्विस दिया है। रेसिडेंट डॉक्टर जो गुजरात के हैं और पूरे देश के हैं, वो 3 से हड़ताल पे है। गुजरात से आज से सभी कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट और रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे जाने वाले हैं, और सभी हमें जरूर पड़ेगी तो हम आगे जो ये कोई पगला नहीं लेंगे, सरकार स्टेप नहीं लेगी, तो हम कंटिन्यूस स्ट्राइक, इनडेफिनेट स्ट्राइक पे, इनडेफिनेट विड्रॉल ऑफ द सर्विस पे जा सकते हैं। आपने सुना कि IMA ने साफ तौर पे कहा है कि अगर अब भी स्टेप नहीं लिए गए तो आगे और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे, और जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर अनिल नायक के, और भी डॉक्टर्स, और भी देश के अलग अलग राज्यों के डॉक्टर्स अब इसमें शामिल हो रहे हैं। गुजरात के डॉक्टर्स भी आज से इस स्ट्राइक में, जो गुजरात के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।